दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम सब सीखेंगे आलू मंचूरियन बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है। तो आइए देखें इसे बनाते कैसे हैं। यहाँ मैंने आलू को छील कर छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप भी इसे बिल्कुल ऐसे ही काटें। अब एक बर्तन में पानी गर्म होने को चढ़ाएं। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालकर पहले से छिले और कटे हुए आलू को डालकर 10 मिनट तक बॉईल करें। ये देखिए, आलू हाफ बॉईल हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना ये आलू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। बॉईल होने के बाद इसे अच्छे से छान लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बोल में एक कप मैदा डालें, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, आधा छोटा चम्मच जिंजर पेस्ट डालें यानी अदरक का पेस्ट डालें, और 1 बड़ा चम्मच गार्लिक पाउडर डालें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें बॉईल किया हुआ आलू डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और इसमें एक एक करके आलू डालना स्टार्ट करें। हमें इसे बिल्कुल सुनहरा होने तक डीप फ्राई करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे किचन अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करें, इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन डालें, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज डालें, 1/2 कप शिमला मिर्च डालें। अब हमें इसे सॉफ्ट होने तक कुक करना है।
अब इसमें आधा छोटा चम्मच विनेगर डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। दो बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू मंचूरियन डालें और इसे अच्छे से मिला लें। अब गैस के फ्लेम को ऑफ करें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। गर्मा गर्म आलू मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे फ्राइड राइस नूडल्स के साथ साथ एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।